सर एक मरीज है 70 साल का, आप 65-70 साल का बुजुर्ग, जिनको लंबे समय से हाथ पैरों में समस्या है, वीकनेस है, ट्रेमर होते रहता है, और उसको डॉक्टर ने, मॉडर्न वाले ने MND डिटेक्ट डायग्नोस किया है, वो आयुर्वेद में इलाज लेना चाहते हैं, तो इसमें उनको पंचकर्म अगर दिया जाता है, अभ्यंगम, षष्ठी, सालिस, वेदन, बस्ती, तो इसमें कितना रिजल्ट मिलेगा ना, मिल? रिजल्ट मिलेगा ना। जी सर। वात वृद्धि के पेशेंट है, ठीक है, और धारणत्व जो है जिससे शरीर स्थिर रह सकता है वो मांस धातु और अस्थि धातु पर निर्भर है। तो मांस धातु का बल बढ़ाना, बढ़ाने वाले तेल, हाँ, ऐसे तेल चालू कर दो, ठीक है, जिस जो भी तेल है ग्रहण करने वाला, जी सर। अश्वगंधा से बनाया हुआ, विदारी से बनाया हुआ, शतावरी से बनाया हुआ, नारायणी तेल है, ऐसे तेल जो है उन तेलों का अभ्यंग करना, और पेट में अजामांस रसायन, ऐसे मांस वर्धन करने वाले रसायन का प्रयोग करना, उसके अग्नि के हिसाब से, ऐसे करने के बाद वो सब कुछ ये वो कंट्रोल में आ जाता है, जी कंप सर, जी कंप जो सर। है वो वात का चल गुण से होने वाला चीज़ है। तो जो हम कल्प देते हैं वो गुरु गुण के, स्थिर गुण के, मंद गुण के, ऐसे कल्प जो है वो देना अनिवार्य है। पर ये सब कल्प जो है उनको अग्नि की अपेक्षा है, अग्नि अच्छी होनी चाहिए, तो कम मात्रा में उसका प्रयोग करना, अग्नि के हिसाब से वो चालू करना चाहिए, ठीक है। अभ्यंग तो कंपलसरी करना ही चाहिए। और सर अगर किसी को रिकरेंट ऐसी गैस, एसिडिटी, अम्ल पित्त के समस्या की वजह से अल्सर वगैरह बन रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, बार बार ऐसे हो रहा है तो पहले हेतु जो है कुछ है चालू, वृषोष्ण, तीक्ष्ण, उष्ण, ऐसे जो कुछ हेतु है, हाँ, वो पहले बंद कर दो। हेतु में तीक्ष्ण उसमें बंद हाँ कर दिया है, फिर भी हो रहा हाँ है। वो फिर भी हो रहा है तो, बार बार ऐसे हो रहा है तो अंदर स्निग्ध, शीत, हाँ, ऐसी दवाइयाँ, हाँ, घृत, ऐसे घृत चालू करना। यष्टि मधु है वो अच्छा काम करता है, कम मात्रा में दिया तो अल्सर जो है वो हील हो जाते हैं यष्टि मधु से, ठीक है। सर इसको इसको अनुपान और अधोभूक्त या भूख ऐसे कैसे भी खाने के बाद दे सकते हो, कब पेनिंग कब होता है उसके हिसाब से उसका ये करना, निर्णय लेना। भूख बहुत लगती है और खाने के बाद अच्छा लगता है, ऐसा हो तो अपान काल में देना, खाने के बाद पेनिंग ऐसा लग रहा है तो खाने के बाद देना, ठीक है। जी सर। ऐसे करके आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी घृत, प्लेन घृत जो है, गो घृत, वो बहुत अच्छा काम कर देता है, ठीक है, तो उससे वो हील हो जाते हैं अल्सर। जी सर। एष्टी मधु का अनुपान जैसे बहुत कम मात्रा में देना कितना? यष्टि मधु, क्योंकि ज़्यादा दिया तो वो वमनोपक हो जाता है। यष्टि मधु में तो कोई भी नई पेश कोई भी नई सेल जो है उसको ग्रैनुलेशन करने की ताकत है। तो जहाँ अल्सर है, हाँ, तो अल्सर में होता क्या है, उसमें दाह भी है और शूल भी है, ये लक्षण वात और पित्त का है, ठीक है। उसमें व्रण है, अल्सरे व्रण है ना, फटा है, फटना ये लक्षण है वो वात का है, ठीक है, सर और उसको, जी हाँ, सर। और आरक्त वर्ण था ये पित्त का है। तो यष्टि मधु जो है वो वात पित्तात्मक संप्राप्ति पर जाता है और क्षयज संप्राप्ति पर जाता है। तीक्ष्ण उष्ण गुण के कारण जो संप्राप्तियां हुई है उसके लिए यष्टि मधु अच्छा काम कर देता है। सर अनुपान क्या रहेगा इसका? नहीं, यष्टि मधु ही देना गर्म पानी के साथ, कोमट पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, हाँ, जी ऐसे जी करना, जी जी ऐसे। ओके सर, थैंक यू। सर ये वास्कुलर नेक्रोसिस में क्या किया जा सकता है? अवैस्कुलर नेक्रोसिस में पहले तो केस देनी, हाँ, क्या हेतु है, कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है वो देखो पहले, और इसमें अस्थि धातु, हाँ, डायबिटिक फिर पेशेंट में हुआ है, हाँ हाँ वो डायबिटिक डायबिटिक, में। हमारे लिए डायबिटिक कुछ नहीं है, हमारे लिए हमारे टाइप में होना चाहिए सब कुछ, हाँ, ठीक है ना। डायबिटिक हमारे इसमें है क्या, नहीं है, हाँ, तो हमारे इससे केस फॉर्मेट लेना, उसके हेतु देखना,
हाँ हमारे इससे वो क्या को व्याधि लग रही है उसका उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना। अवेस्कुलर नेक्रोसिस में वात पित्तात्मक ऐसी संप्राप्तियाँ रहती है हाँ? और सिरा कंडरा इनकी इनका भी सोचना पड़ता है ठीक है ना। तो रक्त प्रसादक वात शामक ऐसे योजना करनी पड़ती है ठीक है। तो उससे वो हो जाता है ताप्यादि लोह अमृतादि गुगुल तो केस के हिसाब से वो बदलेंगे कल्प हाँ? तो उस हिसाब से वो उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं एवीएन में। थैंक यू। बोलो और किसने क्या प्रश्न पूछा है ग्रुप में पूछा है वो पढ़ के बोलो। बोलो किसको कुछ प्रश्न। कोई भी केस आयुर्वेद के फॉर्मेट में लेनी हाँ फिर उसका निदान क्या होता है हाँ। मॉडर्न पे मॉडर्न जैसा अगर पेशेंट सोनोग्राफी लेकर आ गया है आपके पास और सोनोग्राफी में रिनल स्टोन है तो हमारा डायग्नोसिस मूत्राश्मरी नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखो ठीक है हाँ। हम डायरेक्ट वो मूत्राश्मरी करते हैं ऐसा नहीं होगा हाँ। हमारा शायद डायग्नोसिस ग्रहणी हो सकता है हमारा शायद डायग्नोसिस अर्श हो सकता है ठीक है ना। तो कितने पेशेंट है जिसको पेन नहीं रहता पर रिनल स्टोन रहता है बराबर है और फिर हम उसका मूत्राश्मरी निदान करते हैं ऐसे कैसे कर सकते नहीं कर सकते है ना। तो बहुत से पेशेंट में ऐसा निदान होता है कि वर्ष हो सकता है गृहिणी हो सकता है उदरशूल हो सकता है अजीर्ण हो सकता है ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस रिपोर्ट के आधार पे आयुर्वेदिक डायग्नोसिस मत करो। आयुर्वेदिक के लिए स्पेशल अलग सा निदान है हाँ। हमारी जो पद्धति है वो अलग है उसके हिसाब से डायग्नोसिस होना चाहिए चाहे उनके केस में एवियन बताया है पर हमारे इसमें वो क्या वात रक्त लग रहा है क्या हाँ क्या लगता है उसके हिसाब से हमारी चिकित्साएं होनी चाहिए। हाँ पूछो। और पूछो हाँ पूछो हेलो सर, हाँ बोला पूछो। जब हम पंचकर्म पेशेंट में प्लान करते हैं तो दीपन पाचन के बाद हम जब स्नेह पान देते हैं तो हमारा मेन पर्पस दोष उत्क्लेश रहता है उस टाइम पे। तो हम जो अलग अलग फॉर्मुलेशन है जैसे कि इनफर्टिलिटी में फलघ्रीत से करवाते हैं तो वो चूज करने के पीछे हमारा बेस क्या रहना चाहिए, कौन सी कंडीशन को हम इंटरप्रिट करके वो स्नेह सिलेक्ट करें? व्याधि के अनुसार करना जैसे गुष्ठ है तो हम तिक्त घृत यूज़ करते हैं प्रमेह है तो हाँ हम त्रिफला घृत यूज़ करते हैं है ना। पांडु है तो ओके दाढ़िम घृत कर सकते हैं। वंध्यत्व में करना है तो हाँ आप फल घृत यूज़ कर सकते हो। पांडुजन्य वंध्यत्व तो दाढ़िम घृत यूज़ कर सकते हो। उन्मादजन्य कुछ होगा तो कल्याण का घृत यूज़ कर सकते हो है ना। तो उस हाँ अधिकार में जो जो घृत है वो ले नहीं ओके। ठीक है मतलब सर हमारा पर्पस वहां पे दोष उत्क्लेश करना वो है ना, तो वो फिर है अलग अलग कल्प चूज करने करने का का मतलब क्या क्या है मतलब? हाँ पर तो नहीं किया तो भी कुछ नहीं फायदा। आप गोघृत दोगे तो भी करोगे पर अगर देखो ओके एक व्याधि है उसको प्रमेह है ठीक है। अब मुझे उसको वमन करवाना है और मैंने गोघृत दे दिया और दूसरा भी सेम प्रमेह सेम संप्राप्ति सेम हेतु सब है हाँ। और उसको मैंने त्रिफला घृत दे दिया तो व्याधि क्या है और उसके अनुसार त्रिफला घृत देना ज़्यादा बेहतर है। गोघृत दिया तो कुछ गलत होगा ऐसा नहीं है हम दोष तो निकालने वाले पर शेष जो रहने वाले दोष है लीन दोष है ओके ना उसके लिए जो दिया हुआ घृत काम कर सकता है ना ओके बराबर है ना। तो उस व्याधि का घृत दिया तो ज़्यादा बेहतर है नहीं दिया तो भी क्या आपको संशोधन हाँ कर्म करना ही है बाद में सब यस कुछ ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है पर वो स्पेशलाइज हो जाता है घृत है ना। ओके नॉर्मल सर देना अब हम कभी कभार लवण जल लवण डालकर घृत देते हैं गोघृत कुछ उसका तो ये नहीं है गलत नहीं है कुछ पर अगर हमने उसमें उस व्याधि का ही दे दिया तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। निकालना काम तो निकालना ही है पर जिससे निकाल रहे हैं वो भी उस व्याधि के विरोधी होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना ओके है सर ना। जिस जैसे नॉर्मल इंसान के हाथ में बंदूक दे दी और उसको बोल लो सैनिक को मारो पाकिस्तान के है ना तो वो मारेगा तो भी मरेगा ही
और आर्मी के हाथ में दिया तो वो भी मरेगा। पर इसमें हाँ जरा ये आ गया ना कि जिसको दिया वो स्पेशलाइज हो गया, है कि नहीं? ओके सर ऐसा अगर गलत हो गया उस वो शत्रु कुछ ये हो गया तो मारने वाला जो है वो ट्रेंड है ना, वो त्रिफला घृत है। तो जो ये है ऐसा कुछ दिया नहीं है ऐसा कुछ, पर ये एक तर्क वितर्क है, तो वो बचे हुए दोषों के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। ओके क्योंकि सर शोधन को रहने वाले हैं लीन दोष, है ना, ऐसे होगा नहीं, है हाँ ना। तो ओके ठीक है, नेक्स्ट पूछो फटाफट, इसको टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ पूछो। स्नेहा मैडम पूछो, कौन है पूछने वाली? चिकन सर हाँ बोला। हेलो हाँ पूछो। सर लेक्चर लाच विचार मराठी बोलू ना हाँ सर विचारा, मी वाचले पण मला पटपट करणे वाचले, मी लेट आलो ना। हां बोला। सर असं विचारायचं होतं की काही पेशंटमध्ये पिरियड्स आल्यानंतर म्हणजे आता दोन तीन केसेस सध्या बर। आल्या करंटली माझ्याकडे, तर पिरियड्स आल्यानंतर दोन तीन दिवस ब्लीडिंग होतं, तेही म्हणजे असं फ्लो व्यवस्थित नसतो, ब्लॅकिश त्यांचं हे असतं स्त्राव असतो, गाठी पडणं असतं, आणि परत दोन तीन दिवसानंतर स्टॉप होतं आणि पुन्हा तेच स्पॉटिंग स्वरूपात पुढे 15 ते 20 दिवस कंटिन्यू राहतं ब्लीडिंग, हाँ तर ह्याचा विचार कसा करावा आणि मग त्यात एकल द्रव्य कुठलं यूज करता येईल. आणि दुसरा क्वेश्चन असा आहे की पीसीओडी मध्ये एक वेळ पिरियड आल्यानंतर पुन्हा फॉलोअप मध्ये तेच मेडिसिन कंटिन्यू करावे का 1-2 पिरियड येईपर्यंत असं, आणि रेग्युलर झाल्यानंतर मग पुढची चिकित्सा काय द्यायची त्यांना जर याच्यासाठी विलिंग असेल, इन्फर्टिलिटी म्हणजे पीसी पुढे विलिंग असेल बेबी साठी, बरोबर। तर आपण ती चिकित्सा देऊ शकतो, पण ज्या अनमॅरिड मुली आहेत आता सध्या मग त्यांची चिकित्सा पुढे कशी करायची. अनमॅरिड मुलींची पीसीओडीची। हा आता ये इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते हैं जिनमें क्या होता है कि पीरियड रजप्रवर्तन होने के बाद भी काफ़ी दिन व्हाइट ब्लैक स्पॉटिंग, जब ब्लैक स्पॉट जाते हैं ब्लीडिंग जाता है, कृष्णवर्णीय रक्त प्रवर्तन होता है, तो उसके लिए क्या करें? दूसरा प्रश्न है कि पीसीओडी की अगर हमने जो कुछ रज प्रवर्तन की अकष्टार्थ हो अनार्थ हो उसकी ट्रीटमेंट की और पीरियड रेगुलर आने लगे तो ट्रीटमेंट कब तक देना, और चौथा कि जो मैरिड नहीं है ऐसे जो बच्ची या छोटे जो लड़कियां हैं उनमें अगर पीसीओडी हुआ तो क्या करना, है ना? ऐसे तीन है ना प्रश्न, है ना? आज एवढंच है ना। तो क्वेश्चन असा आहे की ज्या अनमॅरिड मुली आहेत पीसीओडी ने त्यांचे ओके ना। पीसीओडी आपण मेडिसिन देऊन 2-3 पिरियड्स रेग्युलर आले आणि मग त्यानंतर मग पुढची चिकित्सा एक्झॅक्टली काय द्यायची असं ठीक है माझं ठीक म्हणणं. है। अब एक ध्यान रखो, ये रज प्रवर्तन जो है ये सिर्फ हमारे गर्भाशय तक सीमित नहीं है, हमारे शरीर में बहिर्मुख स्रोत से हैं, मुख है, नासा है, सप्तद्वे सप्त ऊर्ध्व सप्त अधोद्वे ऐसा लिखा है ना, तो ये सब बहिर्मुख स्रोत से हैं। और हमारे शरीर में अगर कुछ किसी भी भाव पदार्थ की वृद्धि हो, दोषों का उत्क्लेश हो, तो वो दोष जो क्या है नज़दीक का जो मार्ग है उससे बाहर निकलता है। ये सादा कंसेप्ट है, जैसे एक डब्बा हो और उसको आपने दो तीन होल ये कर दिए, या फिर बलून को या फिर किसी बैग को दो तीन छिद्र आपने निर्माण कर दिया और उसमें पानी भर दिया, और प्रेशराइज से आप पानी अगर भर रहे हो तो जहाँ छिद्र है वहाँ से वो निकलेगा, पहली बात। हाँ ये कॉमन है। हाँ तो जहाँ जहाँ उसको निकलना हो तो पहले छिद्र से निकलेगा, जहाँ उसको द्वार ही है, वैसे हमारे शरीर में ये अधोमुख स्रोत से ही है। हाँ चाहे वो योनि हो, गुद हो, जो भी हो, हाँ स्वेद वहनानी श्रोतसानी वो हो, मुख हो, तो नज़दीक का जो मार्ग है वहाँ से ये दोष आते हैं। अब
और हम शोधन क्या करते हैं, उनको सिर्फ हम प्रेरणा देते हैं कि अगर देखो कफ उत्क्लेश है तो हम क्या करते हैं, और कफ का लाओ इधर उधर, जहाँ गया हो लीन, जहाँ गया हो मांस में लीन है, इसमें लीन है, उसमें लीन है, तो हम स्नेहन स्वेदन से क्या होते हैं, लीनता वो निकालते हैं, उनको पतला कर देते हैं और कोष्ठ में गति लाते हैं, और हम वमन कर देते हैं, वैसे विरेचन कर देते हैं, ये काम करते हैं हम स्नेहन स्वेदन से। हाँ, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से शमन से पॉसिबल नहीं रहता, जो लीनता लीन अवस्था रहती है, क्योंकि गतक जब रहता है कोई भी दोष तो शमन चिकित्सा से थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये जो पीरियड रहते हैं कि अभी रज प्रवर्तन महीने में 3 बार होना चाहिए, 3 दिन होना चाहिए, मासे मासे रजा त्रिणा, और वो होने के बाद भी जब रज प्रवर्तन हो तो ये जो व्याधि है वो रक्त पित्त की ओर जाती है। ठीक है, सार्वदेहिक शरीर में तीक्ष्ण उष्ण क्लेदकर, हाँ, आर्द्रता निर्माण करने वाला, आप महाभूत निर्माण करने वाला, तीक्ष्ण गुण निर्माण करने वाला, उष्ण गुण निर्माण करने वाला, अभिषंद गुण निर्माण करने वाले, ऐसे कोई भी पदार्थ आहार विहार में हो, विहार भी, हाँ, जैसे धूप में घूमना हो, हाँ, या फिर कुछ भी, जिससे ये गुण बढ़ रहे हैं, ये गुण जो है वो रक्त के गुण बढ़ाते हैं गुण साधर्म्य के कारण। और फिर क्या होता है, जो रेगुलर उसका मार्ग मिला है बाहर निकालने का, क्या रज है ना गर्भाशय, तो उससे वो निकल जाते हैं। अगर वो मार्ग हमने बंद कर दिया, हाँ, कुछ तो टिनेक्सेमिक एसिड बिसिड ऐसी कुछ गोली ले दे दी, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से बंद हो जाता है, फिर उसको स्किन पर रेडनेस आ जाता है, नहीं तो यूरिन जलन महसूस होती है, नहीं तो रक्तजर्श जैसा संप्राप्तियाँ दिखती है। तो ये होता है, कोई एक मार्ग बंद करने के बाद शरीर जो दोष उत्क्लेशित रहे हैं, रक्त में है किधर भी हो, वो दूसरे मार्ग से निकालते हैं, निकल जाते हैं। तो हमारा क्या काम है, अगर ऐसा कुछ महसूस हो कि रज प्रवर्तन होने के बाद भी बाद में भी स्पॉटिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दोष उत्क्लेश अवस्था में है शरीर में, हाँ, रक्त में है, और वो बाहर निकालने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। अब अधोगत रक्त पित्त में क्या दिया है, वमन दिया है, तो पॉसिबल हो तो उसको वमन दे दो, नहीं तो क्या करना है, जो रक्त पित्त की जो चिकित्सा है वो चालू करनी है। हमारा होता क्या है कि हम वो गर्भाशय और योनि उस उधर तक ही सीमित रहते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो एक बहिर्मुख स्रोतस है शरीर का। ठीक है ना, अगर आपने मत्स्याहार किया, हाँ, या फिर अगर पीरियड चल रहे हैं और एक ही दिन में पीरियड आ गया और बंद हो गया, ऐसा हुआ, और मत्स्याहार ले लिया या फिर माश का सेवन किया, तिल का सेवन किया, तो वापस पीरियड चालू हो जाते हैं। हाँ, तो इतना परिणाम हो जाता है आहार का गर्भाशय पर। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर में हुए हुए दोष प्रकोप, हाँ, दोष संचिति जो है वो इधर से गर्भाशय से बाहर निकलती है। तो ये स्त्री को एक पॉजिटिव चीज़ भी है और निगेटिव चीज़ भी ये है कि हर महीने में 3 बार रज प्रवर्तन होना, इसका मतलब उसको हर महीने रक्त की शुद्धि हो जाती है। एक माधव निदान में प्रमेय अध्याय में किसी आचार्य ने बोला है, अभी मुझे याद नहीं कौन आचार्य, तो उनने बोला है कि स्त्रियों में अगर महीने में ऐसे रज प्रवर्तन होने के कारण स्त्रियों में प्रमेय नहीं होता, ऐसे उन्होंने एक वाक्य बोला है, उसका रेफरेंस मैं दूंगा किसी को ढूंढकर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं नहीं होगा, पर चांसेस जो है, हाँ, वो कम रहते हैं, क्योंकि उनकी नित्य शोधन जो है महीने का महीना वो चलता रहता है। तो ये मार्ग है बहिर्मुख स्रोत से, और वहां से दोष निकल रहा है, इसका मतलब आपको रक्त पित्त और इसका विचार करना पड़ेगा। किसी लोगों को अर्श रहता है, और फिर अर्श को क्षार सूत्र या फिर कॉटरी ऐसा कुछ किया रहता है, अब ये भी शरीर का दोष बाहर निकालने का मार्ग है, और ये अगर आपने बंद कर दिया तो वो क्या हो जाता है, योनि विकार में ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं कि जिनको अर्श का ऑपरेशन किया है, अर्श का लिगेशन किया है, वॉट एवर किया है, तो उनमें ये आ जाता है। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करना, ये भी स्रोतसों में वैगुण्य निर्माण करने वाली चीज़ है, हाँ, तो उससे भी वात प्रकोप होकर भी ये सब चीज़ें हो सकती है। तो उसके बहुत से दायरे हैं, रक्त पित्त से लेकर अर्श से तक उसके बहुत दायरे हैं, और साक्षात योनि विकार, हाँ, ये भी दायरा है। तो ये सब एंगल आपको कवर करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आने वाला जो ब्लड है वो कैसा है, कृष्णवर्णीय हो तो वात की तरफ वो ये करता है, उसको उसको अनियमितता हो, वेदनाधिक्य हो, उसमें झाग ज़्यादा हो, तो ये वात की ओर ये करता है। तो आपको बस्ती देनी चाहिए, वात शामक द्रव्य देने चाहिए, गर्भाशय शोधक जो है वो देने चाहिए, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अर्श का कुछ विचार हो, ऐसा कुछ हिस्ट्री मिल रही तो अर्श पर आपको काम करना चाहिए। हाँ, तो इस हिसाब से काम करना चाहिए, सिर्फ वो योनि मार्ग ऐसे नहीं देखना चाहिए।
तो बहुत से स्त्रियों में ऐसा रहता है कि पीरियड के टाइम, पीरियड होने के बाद सब स्किन पर अगर पिंपल्स हो, तारुण्य पिटिका हो, तो वो जब पीरियड जाते हैं तो वो ठीक होने लगते हैं, है ना, और फिर नेक्स्ट टाइम जब पीरियड आने लगते हैं तब उसके पहले वो पिंपल्स आ जाते हैं। तो इतना फर्क पड़ता है, हाँ, दोष उत्कलेश का शरीर में। तो एक वो मार्ग है और उस मार्ग का यूज़ ट्रीटमेंट में करना चाहिए। यूज़ ट्रीटमेंट में करना चाहिए मीन्स क्या, आपको लग रहा है कि यहाँ से दोष जा रहा है तो गर्भाशय शोधक दवाई देकर वो उसको जाने देना चाहिए, है ना, या फिर रक्त पित्त का विचार करके रक्त रक्त पित्त शामक दवाइयाँ हैं, वासा है, हाँ, ये सब दवाई जो है तो वो चालू करो। कई ऐसे स्त्रियों में वासा घृत ऐसे देने के बाद भी वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। हमारा होता क्या है कि वो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो मॉडर्न तो है कि उनका इतना मानना है कि ब्लीडिंग हो रही है तो गर्भाशय से ही हो इसका प्रॉब्लम है मैनिफेस्टेशन, बाकी जनरलाइज मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं देखते वो, और फिर हिस्टेरेक्टॉमी कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो जो मार्ग बंद हो जाता है, बहिर्मुख श्रोतसिक बंद हो गया जहाँ से उत्क्लेशित अवस्था जा रही थी, फिर क्या होता है उस स्त्री को अर्श हो जाता है, नहीं तो उसको अम्ल पित्त की हिस्ट्री दिखाई देने लगती है। कहाँ से, तो जो पित्त की तीक्ष्ण उष्ण द्रव ये गुण है ना बाहर निकलते हैं, तो उस हिसाब से ये जो क्या है ब्लीडिंग का विचार करना चाहिए। बराबर है, और क्या प्रश्न था? दूसरी बात क्या, बच्चे स्त्रियों में, हाँ, तो स्त्री को गर्भाशय संन्याशय ये दो चीजें एक्स्ट्रा दी है ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि स्त्री को रूल्स भी ज़्यादा दिए है, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट दोनों हो गए, तो उसको रजचर्या भी फॉलो करनी है, सुटिकाचर्या भी फॉलो करनी है, अगर प्रेग्नेंट रही तो वो प्रेगनेंसी की गर्भाचर्या भी फॉलो करनी है, तो ये तीन चार चर्या एक्स्ट्रा हो गई उसको। तो रजचर्या का फॉलो अभी होता नहीं, हाँ, जो पहले होता था, तो अभी ये होता ही नहीं, और ये नहीं होने के कारण खवैगुण्य होने के चांसेस गर्भाशय में होने की बहुत ही शक्यताएं ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स है, फाइब्रॉयड हो, इनफर्टिलिटी हो, और बहुत सारे जो है वो बढ़ गए हैं, हाँ, तो इसके कारण ये पीसीओडी की समस्या है वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, रजचर्या फॉलो करो ऐसा बोल सकते हैं, नहीं कर रहे तो क्या कर सकते, बाकी की जो चीज़ें हैं, हाँ, पिचू धारण करना, उत्तर बस्ती देना, ये सब चालू करना, बस्ती प्लान करना, है ना, और क्या थी, और हाँ, दूसरा चीज़ की ट्रीटमेंट कब बंद करने, पीरियड के आप ट्रीटमेंट दे रहे हो मीन्स क्या दे रहे हो, आप वातानुलोमन कर रहे हो, रज का अनुलोमन कर रहे हो, हाँ, जो कुछ है आपने जो संप्राप्ति निकाली है वो कर रहे हो, जब आप पीरियड रेगुलर भी चल रहे हैं और आपकी ट्रीटमेंट भी चल रही है और उसके बाद पीरियड अगर बढ़ रहे, हाँ, मीन्स फ्लो बढ़ गया या फिर कुछ, तो ट्रीटमेंट बंद करनी, तो वो बोल रही ने अच्छा बराबर लग रहा है अभी, आप दवाई जब तक चालू है तब तक अच्छा लग रहा है तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी, ठीक है। पेशेंट खुद बताता है अगर आपकी ट्रीटमेंट गलत हो, तो तीन दिन में, दो तीन दिन में पेशेंट बताता ही है कि कुछ गलत है, ठीक है ना। अगर सपोज पित्त का प्रकोप है शरीर में और मैंने डायग्नोस वो प्रकोप जो है वो अगर परतंत्र प्रकोप होगा, अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रीट मैंने बता रहा हूँ किस कि ये परतंत्र प्रकोप होगा, या फिर वात प्रकोप है और वो परतंत्र वात प्रकोप होगा, और मैंने उसको वात प्रकोप है इसलिए दशमूला रिष्ट दे दिया, पित्त के लक्षण कोई भी ना देखते, बाकी के हेतु ना देखते, मैंने अगर उसको दशमूला रिष्ट दे दिया, तो अगर ये पित्त के कारण अगर वात प्रकोप है, परतंत्र वात प्रकोप है, तो वो एक दो दिन में फ़ोन करके बोलेगा सर क्या हो रहा है, बहुत जलन महसूस हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है और ये हो रहा है, पेशेंट ही बोल देता है, ठीक है ना। तो वो सुनना कभी भी लक्षण उसके, है ना। और क्या, आपकी अगर ट्रीटमेंट सही हो तो कई दो तीन दिन में पता ही चल जाता है पेशेंट को कि हाँ मैं जो दवाई ले रहा हूँ भले ही वो लक्षण बहुत कम नहीं हो रहे पर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ये अच्छा महसूस होना ये पेशेंट को पता चल जाता है दो तीन दिन में, ठीक है ना। अजुन क्या होता का प्रश्न, और क्या हो था प्रश्न।
तो अभी के इसमें स्त्रियों में ये कॉमन कॉजेस है ही। हाँ, आर्तव जो है वो रस से तैयार होगा, तो रस दुष्टिजन्य कारण जो है वो आर्तव दुष्टि कर देती है, आर्तव दुष्टि से योनि व्यापक हो जाता है। हाँ, ये कॉमन संप्राप्तियाँ अभी के इसमें होती ही है ना। चीज़ बर्गर खाना, 12 बजे मैगी पीना, हॉस्टल लाइफ में लड़कियाँ 2-2 बजे कॉफ़ी पीती है ना। तो क्या है, ये नियम है निसर्ग के। तो आप कितने भी विद्वान हो, है ना, अगर निसर्ग को ये कर दिया नियम, तो आपको व्याधि तो होने वाली है, चाहे आप डॉक्टर हो ना कुछ हो, है ना। तो ये विकृत तरीके से अन्न सेवन करना, ये अन्न व स्रोतसों की दुष्टि है। अजीर्णासन, संकीर्णासन, प्रमिताशन, हाँ, ये सब अन्न व स्रोतस की दुष्टि है। तो अच्छा रस तैयार नहीं होता, आर्त अच्छा तैयार नहीं होता। इन शॉर्ट, जब तक वो आर्तो दृष्टि है तब तक चलता है चलता है चलता है, और बाद में योनि व्यापक हो जाता है। तो ये कॉमन संप्राप्ति अभी है। ठीक है। बोलो और। मैं आ लेना उत्तर। और सर हाँ, अजुन कहें और क्या प्रश्न है पूछो, आयुर्वेद के प्रश्न पूछो। हेलो सर, एक पूछो। मुलगा है 7 वर्षाचा, कितनी? 7 वर्षाचा, 7। त्याला प्रतिष्ठा आहे जवळपास, त्याच्याही सांगते की 3 महिन्यांपासून तरी आहे। त्यांनी 2-3 वेळेस ॲलोपॅथीची ट्रीटमेंट पण घेतली, आणि आता एक साधारण 15 दिवसापासून आहे ट्रीटमेंट सुरू माझ्याकडे। मला हिस्ट्रीमध्ये काही मिळत पण नाहीये, बोलतात पोट साफ होते व्यवस्थित, किंवा माझ्याच नेहमी कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात, त्याच्यामुळे त्याचं डाएट पण ते काही व्यवस्थित असतं। आणि फक्त आता 8 दिवसांखाली त्यांनी एक हिस्ट्रीमध्ये सांगितलं की एकदा फक्त माशी चावली होती, तुम्ही मागे बोलला होता की दशांग अवध द्यायचं इंटरनली, सो मी ते केलं होतं। 8 दिवस झाले सुरू करून, कमी डोस मध्ये सुरू आहे। जस्ट 3 दिवसापूर्वी त्याला खोकला खूप वाढला, पण तो आता कमी झाला आहे, पण मध्ये अजून काहीच फरक नाही पडत आहे, कशामध्ये? सर्दी कमी नाही होते, तीव्र सर्दी दिसते, सर्दी जराशी अति आंबूपान असं काय असेल तर ते बंद केलंय का? नाही, असं काही नाही, फक्त तो सकाळी जरा लेट उठतो, तेही मी त्यांना सांगितलंय की जरा लवकर उठवायला सुरू करा। डिटेल अजून और कुछ तो मिलेगी हेतु, हाँ, या फिर वो पहले कहाँ अलग जगह रहता था, अभी अलग जगह रह रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ नहीं है सर, पानी में कुछ बदलाव, नहीं या कुछ फिर ज़्यादा सोना, ये भी कारण होता है? हाँ। हाँ, तो मैंने उनको बोल दिया है कि सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए बोल कुछ तो हेतु। दिया, सर्दी कम नहीं हुई। सर ये देखना है आपको, और मल है वो, ठीक है, माउस का मल है। हाँ, तो हेलो, तो माउस दृष्टि कर कुछ। हाँ, आपका क्या है, ये बंद कर दो, डबल आवाज आ रहा है माइक। तो माउस दृष्टि का कुछ अगर कुछ है वैसे हेतु, तो वो देखो। लेपन कपाल पर लेपन, नाक पे लेपन, ऐसा कर दो, और डिटेल एक बार वापस ले लो। कभी कभार मम्मी को पूछा तो नहीं बताते, बट डैडी को पूछा तो और कोई हेतु निकलते हैं, ऐसा कुछ है तो वो भी देखो, ठीक है। सोता कैसे है वो इंसान, उस पर है। बिना पिलो के सोना, बहुत बड़ी पिलो लेकर सोना, वो भी प्रतिशय के कारण बताए हैं, तो वो है क्या वो देखो। ऐसे छोटे मोटे चीज़ें देखो, गुड नाइट मैट लगा रहे हो क्या घर में, तो धूल ये तू दिया है। हाँ, तो उसका भी वो ट्रिगर हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो दीवार रहती है सोते समय, तो उस दीवार पे फंगस चढ़ती है, और वो एकदम माइक्रोस्कोपिक फंगस रहती है, और वो जब सोते हैं तो वो हवा में फैली फंगस रहती है, वो भी रहती है। तो स्थान बदल करके भी कभी कभार प्रश्न छूट जाते हैं, वो देखो। तकिया उसका वो कैसा है, हाइजीनिक कंडीशन कैसी, वो छोटी छोटी, कभी बहुत चीज़ें छोटी रहती हैं, और बहुत फिर ये रहता है उसका। एक मेरे पास पेशेंट था, छोटी चीज़ें कितनी होती है वो बताने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो देखो आप। हाँ, और फिर भी मुझे पूछो। ओके, एक बार ग्रुप में। हाँ, कुछ तो होगा, कार्य कारण भाव है
है ना, बिना कारण के कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, भले आप हमें कारण नहीं पता चल रहे, तो हमारा काम है वही तो ढूंढना है ना। अगर आपने शरीर में आप महाबूत बंद ही किया, अतिआम्बूपान बंद हो रहा किया है, अजीर्णाशन जैसी कुछ चीज़ें बंद हो गई है, तो कहाँ से आ रहा है ये, है ना, मल मांस का, तो वो ढूंढने की बात है ना। तो हाँ बोलो, बोला ठीक है सर, मैं भी और पूछ हाँ, रही हूँ। काय करी काय करी, हाँ कुछ तो रहता है, हाँ कुछ तो रहेगा। ठीक है सर, मैं और पूछ लेती हूँ, आपने जो अभी बताया। हाँ और हाँ, तो क्या होता है कभी कभार इतना छोटा रहता है कि मेरे पास पेशेंट आया था, वो कॉलेज में ये है प्रोफेसर है, तो उसके कान में बहुत दर्द था और उसके लिए उसने फिर ENT को दिखाया, वो कान बराबर है बोल रहे, कुछ भी नहीं, फिर एंटीबायोटिक का कोर्स हुआ, पेन किलर, तब तक अगर थोड़ा ठीक लग रहा था, फिर उसने डेंटिस्ट को दिखाया, उसका एक्सरे हो गया कि बाबा कैविटी कुछ बनी है क्या, तो वो भी नहीं है, उसने बड़े बड़े फिर MRI किया कि कुछ नर्व कॉम्प्रेशन है क्या, तो वो भी नहीं है, पर पेन तो बहुत था उसके कान में, राइट कान में। अब ये कहाँ से क्या ढूंढूँ मैं, है ना, पेन कहाँ से हो रहा है, हेतु नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। और फिर वो आ गया और फिर बताने लगा, फिर मैंने कान देखा, कान में भी कुछ तकलीफ नहीं है, फिर पूछा कि आप बाबा बार बार मल निकालते हो क्या, उससे वात प्रकोप हो गया क्या, क्या क्या पूछू ना मैं। तो ऐसे कान देख रहा था, तब उसके कान के ऊपर जो अपनी हेयर लाइन है वहाँ एक ऐसा जो चमकीला अस्त ना, चर्मकील, वैसा चर्मकील जैसा वो दिखाई दिया मुझे। हाँ वो पूरा चर्मकील ही लग रहा था, जैसे चर्मकील कैसा रहता है वो ब्लैक कलर का वैसा। फिर मैंने और ज़रा बारीक तरीके से देखा तो वो चर्मकील नहीं था, वो ये थी, क्या बोलते हैं उसको, गोचिड़, हिंदी में क्या बोलते हैं जो गाय भैंस पर लगती है, वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में कुछ बोलते होंगे ना उसको, हाँ हिंदी में भी गोचिड़ बोलते हैं, मराठी गोचिड़ बोलता है। हाँ तो वो हाँ गाय और भैंस पे वो चिपकती है ना खून चूसने के लिए, तो वो चिपकी थी वहां पर। अब ये देखो क्या है। हेलो हेलो सर, जोक बोलते हैं उसको हिंदी में, जो तो ये हो गया ना, माइट्स इन इंग्लिश, हाँ माइट, हाँ टिक वो, हाँ ओके। तो वो थी वहां पर और वो दिख रही थी चर्मकील जैसी, कि जैसे उसको पहले से चर्मकील है, और फिर मैंने जरा ध्यान से देखा तो पता चला ये नहीं है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या लिया, एक स्वैब लिया अपना, कॉटन का स्वैब लिया, उसको पकड़ा ऐसे, वो इसको माइट को, वो गोचिड़ को पकड़ा और खींचा, तो जो खींचा तो उस समय को उसको जो लगा ना कि जैसे पत्थर ऊपर सिर पर पत्थर किसी ने निकाल ही दिया, इतने महीनों से मैं पत्थर लेकर घूम रहा हूँ, 1 महीना 1.5 महीना वो चल रहा था उसका, और वो कम ही हो गया उसका पेन उसी टाइम। अब देखो ये कितना छोटा निदान है ना, शायद मैंने अगर नहीं बाल देखे होंगे तो मुझे भी नहीं पता चलता, मैं भी कुछ करना पूर्ण करो ये करो वो करो, मैंने भी कर किया होता, तो इतना भारी उसको लगा, और फिर उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, हाँ MRI किया, ये किया वो किया, तो इतना रहता है। तो दर्शन परीक्षा जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा भी ध्यान नहीं गया था, मीन्स इतना ऐसे ही मैंने बाल ये कर दिया और मैंने देखा, और वो अच्छी खासी थी, उसको मैंने वो जूम करके उसको इससे दिखाया, हाँ ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ है, क्योंकि ENT वाला कान देखेगा, उसको थोड़ी मालूम हेयर पे क्या है, तो हमारे डायरिया जो है उसका लिमिटेशन, किसी भी व्याधि का, गर्भाशय में व्याधि है तो हमारा वो सार्वदेहिक भी सोच रहनी चाहिए दोषों की, इस प्रकार वो प्रतिशय का जो है वो कारण कुछ देखना पड़ेगा। ऐसे बोलो क्या मतलब, वो ना के ऊपर उसको इतनी सेंसेशन कुछ नहीं हुआ, किस पर किस पर, हाँ वहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा, आरक्त वर्णता नहीं थी उधर, कुछ भी नहीं था, पर जहाँ वो निकाला मैंने उस उधर से ब्लड निकला बहुत, हाँ वो जब मैंने खींचा ना
तो ऐसे जैसे हम रबर खींचते वैसे वो चिपकी थी। अब कितना बहुत फालतू निदान है ना, कि जिस पर ध्यान ही नहीं जा सकता, मेरा भी नहीं जा सकता, मैं भी वो ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। अगर मैंने वो देखी नहीं होती तो मैं भी वहाँ कर लो कर्णपूरण, ये लो निर्गुंडी तेल दे दो, ये तेल दे दो, वो तेल दे दो, पेट में वात शामक दे दो, नस्य दे दो, मैंने भी यही कर किया होता है ना, ऐसा है। फिर वो पेशेंट में संवेदना कम होगी, फिर थोड़ा मुझे ऐसे लगता है उसको अगर समझ में नहीं आया तो पेशेंट में हाँ, उसको भी संवेदना नहीं, अभी उसको भी थोड़ा नहीं कम चल रहा, होगा आई हाँ थिंक उसको भी उसका। नहीं पता चल रहा होगा कि वहाँ ऐसा कुछ है, ठीक है ना। और वो कैसा रहता है वो प्राणी, जैसे वो पैरासाइट चिपकता है ना, एज ए बॉडी पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका काम है खून चूसना। तो उसके ओके लिए उसको जिस पर चिपका है ना, उसको वो नहीं होता, वो आराम से धीरे 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 खून चूसता है, ठीक है ना। तो वो उसकी खासियत है ना, खून चूसना बिना उसको समझे ऐसे। तो बाद में फिर उस पेशेंट को ऐसे लगा, रहे बाबा यही डॉक्टर अच्छा है ऐसे, है ना। तो फिर कोई भी छोटे मोटे, तो ये ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसा तो आज तक पेशेंट आता है मुझे, कोई टॉयलेट भी नहीं हुआ तो मेरे पास आता है ऐसे। मेरा एक केस है कि 1 साल की बच्ची है और 10वें महीने में वो चलना शुरू हो गई थी और अचानक उसको एक बुखार आया भाई, और उसके बाद उसका पांव से चलना बंद हो गया। वो पहले जो करवट लेती थी या फिर चलती थी अपने आप से सहारा लेके, वो सब चीजें एकदम से बंद हो गई हैं। तो इस केस में सर उसका एमआरआई भी एकदम नॉर्मल आया है, कुछ भी नहीं है बच्ची में, अदर देन सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, सिर्फ एक सीआरपी उसका बढ़ा हुआ है, ईएसआर भी थोड़ा सा इंक्रीज है, बस ये दो चीजें इंक्रीज है, अदरवाइज और कोई वैल्यू भी उसकी ऐसी नहीं है। पेशेंट में और कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है एक फीवर के अलावा। और अभी बुखार आता है क्या? नहीं, बुखार अभी पेशेंट ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद से उसका फीवर भी टूट चुका है, अभी अभी कंप्लेंट क्या है उसकी? बट उसको उसको जब उठाते हैं गोदी में तो बैक में उसको हल्का हल्का पेन रहता है, या फिर कोई उसको ऐसे टच करे तो मतलब हो सकता है कोई स्ट्रेंजर टच करता है तो ज्यादा रोती है, और मदर और फादर की ही गोदी में ज्यादा रहती है अभी वो। और तो कैसे सोचेंगे सर ऐसे ऐसे क्या केस है में? बच्चों में, एक 3 साल के पहले, हाँ मैं 3 साल में जो ऐसी अचानक से बीमारी आती है जिसके हेतु नहीं पता चलते, हाँ, और समझ में नहीं आती, क्योंकि 1 साल की बच्ची क्या आपत्ति करेगी बताओ, बराबर है ना, 1 साल ही ना। हाँ, वो तो माँ का हाँ दूध पिएगी, सारे। बराबर है। तो ऐसा ऐसा नहीं कि वो वड़ा पाव खा रही है, फिर ज्वर की कुछ संप्राप्तियाँ हो गई हैं, कोष्ठगत अग्नि शाखागत गया, नहीं, नथिंग नथिंग। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो हाँ हाँ 3 साल के पहले ऐसे अगर कुछ लक्षण है तो वो कर्मज व्याधि बताए हैं, और ग्रह बाधा, और इसमें ज्वर ज़्यादा आया है। हाँ, कि बच्चे को ज्वर आता है, फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो उसके अंग सुखाता है, ऐसा 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 बताया गया है। तो उसकी ट्रीटमेंट उस साइड से करनी पड़ती है। तो ग्रह बाधा में कोई, बाद हाँ मैं, हो सकता है अभी केस डिटेल लेनी चाहिए, पर क्योंकि ऐसे में 1 साल के बच्चे में क्या हो गए हेतु, बराबर है ना। जो बच्चा, सर उसने बाहर का खाना ही नहीं खाया, खाना ही नहीं एक्सक्यूज खाया। मी सर, हाँ बोलो। शायद इंजेक्टेबल कुछ लिया होगा फीवर के लिए, तो दैट कैन बी अ कॉज, बिकॉज नर्व डैमेज नहीं 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 अगर इंजेक्टेबल नहीं नहीं लिया लिया ना, है। क्योंकि 1 साल हाँ में क्रोसिन लिया बच्ची वैक्सीन ने, ब्रेन फीवर आया तो वैक्सीन क्रोसिन वैक्सीन ही लिया। हाँ वैक्सीन वैक्सीन कुछ दिया होगा। हाँ वैक्सीन्स तो बच्चों की जो चलती है वो वो चलती ही है। ना, हाँ वो तो वो सभी हेतु देखने चाहिए, पर इन शॉर्ट ऐसा है कि पर हाँ उसको लेने के बाद एकदम से फीवर नहीं आया, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हाँ वही तो, वैक्सीनेशन हुई तो उसको हाँ फीवर ऐसा आया, नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो शायद सोच लेते उस चीज हाँ, के फिर लिए। भी वैक्सीन एक गर्व विषय है, ऐसा भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को सूट होता है ऐसा नहीं है ना। हाँ, वो भी है। और ज्वर में ना, बहुत ग्रह बारे में, ग्रह इसमें ज्वर बहुत आए हैं। हाँ, ज्वर आता है, बच्चा ऐसे करता है, उन्माद जैसे लक्षण दिखाए हैं, ठीक है ना, और शरीर पतला हो जाता है, ऐसे आए हैं। तो उस हिसाब से ग्रह बाधा में जो दवाई है उसका प्रयोग करके देखो। ठीक है, फिर भी एक बार डिटेल केस ले लो और देखेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। उसको ऐसे तो केसेस बहुत डिटेल ले डिटेलिंग लिया। चाहिए। हाँ
नहीं नहीं बच्चा जो सोने में है रात को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो हाँ चुकी है, हाँ मतलब रात को दिन में मतलब दिन में भी बहुत कम सो रही है और रात में भी कम सो रही है अभी, हाँ तो ये सब इलेक्शन और सोती है तो मदर के साथ ही सोती है अदरवाइज नहीं सोती है, वरना इजीली पहले सोती थी रात को बहुत अर्ली, मतलब 10 बजे सो जाती थी और फिर सुबह ही उठती थी आराम से, 1 साल का बच्चा परेशान नहीं करता था। हाँ लेकिन अभी ये हो रहा है कि अचानक मतलब वो उसको फीवर आया 102 और उसके बाद वो बच्चा ना तो अपने आप को लिफ्ट कर पा रहा है, पाँव में पूरी सेंसेशन है सर, कोई टिंगलिंग अगर आप करते हो तो उसको सेंसेशन है, सब कुछ है, बट वो सिर्फ खुद को लिफ्ट नहीं कर पा रही है अपनी बॉडी तो में। मैम एक अभी वायरल अभी इंसेफ्लाइटिस होता है वो तो नहीं हुआ है? नहीं वो भी नहीं हुआ है, नहीं, उन्होंने किया है ना, सब टेस्ट किए ना हमने। सारे टेस्ट किए हैं, एलोपैथिक तो सारी अभी क्या रिपोर्ट्स है, लेके आई है, सब दशांग कुछ धूप नॉर्मल है है, उसका। दशांग धूप करके है, वो धूप जो है वो चालू कर दो। हाँ, धूपन चिकित्सा, ठीक है। और ग्रह में जो घृत आए हैं, अलग अलग घृत आए हैं, हाँ, तो उसके कंडीशन जो है, उस कंडीशन में फिट होने वाला जो घृत है वो घृत निकालो। हाँ, कौन सा घृत निकलता है तो उसके कैसे हिसाब से करते जो हैं घृत है उसका बाह्य, उसका ये करना है, क्या करना है, ऊपर लगाना है स्किन में, ऊपर, हाँ, एप्लीकेशन? एप्लीकेशन करना है बाह्य। हाँ हाँ ठीक ले सकते, पंचगव्य भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से वो चालू कर दो। है, क्योंकि यही हमारे पास, यही एक ये है। हाँ, कौन से वैक्सीन से हुआ है ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, है ना, बीसीजी से हुआ है ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। गर्भिष है तो सुवर्ण कल्प और सुवर्ण सिद्ध जल भी स्टार्ट कर सकते हैं। चालू कर सकते हैं, अगर हमने वैसा अगर विचार किया तो, वो सभी विचार ऐसे करके ट्रीटमेंट देनी। ठीक है ना, सर एक और केस है, क्योंकि एक पेशेंट आधुनिक था वैद्य ना, शास्त्र की दवाई वैक्सीन होगी तो हम, हमें एग्जैक्ट उसकी संप्राप्ति नहीं मालूम है ना। हाँ जी तो सर, ये सब हाँ बहुत सी चीज़ें हमने, तो कुछ तर्क करके कुछ देना पड़ता है। ऐसे ठीक है सर। एक केस है वो 38 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है और उसकी आई सर एकदम रेड रहती है, मतलब वो बता रहा है कि मुझे धूल से एलर्जी है और आंखें लगभग 14-15 साल से, जब से वो स्कूल जा रहा है तब से ही उसकी आईज ऐसे रेड रहती है, और ऐसे कोई आईज में सर उसको कोई इचिंग नहीं है, कोई वॉटरी आईज नहीं है और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको, एक संप्राप्ति, देखने में भी एकदम सही है। पालित्य में एक संप्राप्ति है, सुश्रुत ने बोला है कि काम क्रोध शोक ऐसी चीजें बोली है, तो उससे क्या हो जाता है, ये उदावर्तित वात जो है, पित्त जो है वो ऊपर की ओर जाता है और ऊपर की ओर जाके पालित्य निर्माण करता है, इसे एक संप्राप्ति है। तो ये ऊपर की ओर गया हुआ पित्त आइज में ही क्यों गया, तो आइज में कुछ खवैगुण्य है, हाँ, इसके वजह से गया होगा। तो एक काम क्या करना है, उसके पित्त प्रकोप कुछ आहार विहार चालू है क्या वो देखो। दूसरी बात, फिर उसकी हिस्ट्री में उसको साइनोसाइटिस का मतलब हाँ एलर्जिक तो है है ना, ना, ये उसको उसका इश्यू निकलाना, है, मतलब हाँ वही है, प्रतिशय है उसको। तो क्या फिर खवैगुण्य निर्माण करने के लिए कारण काफी है। तो अभी क्या करना है, पहले तो पित्त प्रकोप कुछ है आहार विहार तो वो बंद कर दो। हाँ, छोटे मोटे हेतु होंगे कुछ पित्त प्रकोप के, हाँ वो काफी बंद कर सारे लो, हैं सर उसके, काफी वो सब हेतु होंगे, बंद करवाए। हाँ वो सब बंद हाँ कर दो। और फिर बाद में अभी आइस को क्या है, आरक्त वर्णता आ रही है। हाँ, तो ये पित्त का निर्देशक है। हाँ, और फिर आइस के लिए क्या है, त्रिफला घृत अच्छा है, तो त्रिफला घृत के रोज ड्रॉप्स डालना आँखों में, ताकि जो ठीक आँखों का जो फैक्टर है वो कम करे। सप्तामृत लोह, हाँ, ताप्यादि लोह, ऐसे जो कल्प है वो दे सकते हो। रक्त पाचक और अस्थि मज्जा पाचक, ऐसे दो कल्प आप दे सकते हो, इनमें से कोई भी विचार करके आप दे सकते हो। हाँ, आई ठीक है सर, जो नेत्र है वो मज्जा का अवयव है ना, तो मज्जा में पित्त पित्त गया। जो अष्टांग संग्रह में पित्त कहाँ गया, किस धातु में गया तो क्या होगा, है ना, कफ किस धातु में गया तो क्या होगा, ऐसे एक सूत्र है। हाँ, मैं ये जानना ग्यारह चाह रही हूँ सर, इसमें अस्थि मज्जा पाचक काम करेगा ना करेगा ना, करेगा ना, या नहीं करेगा? करेगा ना। और क्या करना है हाँ तो मैंने आपको, पेशेंट में स्टार्टिंग में त्रिफला अस्थि घृत मज्जा तो, पाचक दिया, त्रिफला रक्त घृत पाचक तो, दिया। ठीक त्रिफला घृत तो चालू कर दो। मैंने बोला सभी कल्प ने मत दो, आप सोचो युक्ति प्रमाण से और इस हिसाब से दे दो। आपको क्या होगा है वो मालूम है, ठीक है, कि दोषों की ऊर्ध्व गति गई है और खवैगुण्य से वो नेत्र में गए हैं, पित्त दोष, दोष भी नहीं पित्त दोष, ठीक है ना। अब गया कौन है, पित्त दोष गया है, तो पित्त दोष के ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कहाँ गया है, आंखों में गया है, तो आंखों के खवैगुण्य के ट्रीटमेंट होनी चाहिए।
तो आँखों को बल देने वाला, आँखों की आँखों का मज्जा धातु बढ़ाने वाला, मजबूत करने वाला, आँखों के लिए जो है बना हुआ ऐसा त्रिफला घृत आप दे सकते हो। रात को त्रिफला घृतम हनी के साथ खाना देना, चाटन देना असमान मात्रा में, वो चालू कर सकते हो। रोज पादाभ्यंग कर सकते हो, पादो मध्यो पृथु शिरा गच्छति नेत्रे गच्छति, ऐसा एक श्लोक है। तो हाँ, वो दो पादाभ्यंग बताया हाँ, मैंने तो उसको, रोज लेकिन पादाभ्यंग मैं करना। जाना छोड़ी, वो शाम को भी कर सकते हैं। हाँ शाम को कर सकते हैं, रोज मैंने कोकोनट अर्ली मॉर्निंग ही बताया उसको, हाँ मतलब मॉर्निंग रात को भी कर आफ्टर सकते हैं, ऐसा कुछ डिनर। नहीं है। और फिर उसको कोकोनट ऑयल से अच्छा कसा वो उसको ये करना, पादाभ्यंग करना, ताकि क्या हो जाएगा, वो नेत्र का प्रसादन अच्छा हो जाएगा। वो चालू कर दो, ठीक है ना। ठीक है सर, त्रिफला घृत खुद बनाओ, कंपनी का मत दो, ठीक है, नहीं तो कोई अलग ही घृत धन्यवाद। होगा और आप त्रिफला करके वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मज्जा पाचन देने के लिए और समय जो है सिंपल क्या वो है कि, और एक है कि अपना जो शिग्रु है ना, उसके पत्ते हैं, उसका क्वाथ, उसे क्वाथ से धावन करना, ऐसा बोला है हाँ अष्टांग संग्रहकार ने। तो वो सभी नेत्राभिषंग को हील कर देता है, नेत्र हाँ शिग्रु के पत्र का। तो ये भी कर सकते ठीक हो। है, तो नेत्र धावन कर सकते हैं शिग्रु पत्र से, नेत्र धावन कर सकते हैं शिग्रु पत्र से। हाँ शिग्रु पत्र से, जैसे वाग भट्टाचार्य ने बोला। सर पादाभ्यंग के लिए आपने कोकोनट ऑयल की बोला, कोई शीत है ना, विशेष मतलब? शीत शीत है है ना, हाँ, अपना व्याधि पित्त का है ठीक ना, तो डायरेक्ट आंखों के जाएगा वो पृथुक तो शिरा से, ग्रुत से भी कर सकते हैं ना कर सर? सकते हैं। पर शोषण क्रिया जो है वो तेल की है, ठीक है ना, क्योंकि श्रोतोगामित्व जो है ना वो तेल का है, घृत का नहीं है, है ना। तो इसलिए ओके घृत पीने के लिए ओके बोले और तेल लगाने के लिए बोला है कभी ओके भी। थैंक और गृह बाधा में, कुष्ठ में, ऐसे कई जगह, यू कई जगह ही घृत लगाने बोला है, कुष्ठ में तिक्त घृत लगाओ बोला है, गृह में घृत लगाने बोला है, तो उसका हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं? सर। हाँ नवीन, ये नया सवाल है हाँ आपका, वो हो हो गया ना, गया है पहले वाला हो गया ना। ना? हाँ जी सर, हो गया कंप्लीट, हो थैंक गया, यू सर। बोलो। एक 55 ईयर्स का आदमी है, यानी उसका इतने तरुण इसमें उसको वन साइड अफेयर था, तो कितने उसका साल का है? वो ये हो गया ब्रेक, 45 45। हाँ 45 का है अभी वो, हाँ तो वो जब 26 साल का होगा तब वन साइड उसका अफेयर था, तो वो लड़की ने ना बोल दिया, तो उसकी वजह से उसको जो माइंड पे ये हो गया है, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक अटैक आते हैं दो हर 2 दिन में, 2-3 दिन में ऐसा। अभी वो 45 साल का हो गया, फिर भी अभी उसको ज्यादा ज्यादा होता है तकलीफ, तो उसमें और वो बोलता है कि एक कोई तो भी मेरे बदन में घुसता है, 1-2 घंटे में रहता है, कुछ तो भी बोलता है और बाद में वापस निकल जाता है, उसको तक बोलता है, और ऐसा घूमते रहता है, कुछ हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बहुत से एंगल रहते हैं। हेलो हाँ सर, हाँ, इसके बहुत से हेलो, एंगल हाँ है। एक तो जो है ग्रह का एंगल वो भी है, हाँ उन्माद अपस्मार का एंगल वो भी है। हाँ हाँ तो अभी क्या है उसको, चलिए, हाँ माँ कल्याण दिया था ओरली भी और नस्य के लिए भी दिया था क्या सर, है, कई अधिकार जो है दैव पशु चिकित्सा, वो हमारे अधिकार में नहीं आता, आता नहीं मीन्स हम वो उस हिसाब से नहीं कर सकते। तो वो जो अधिकार है जिस व्यक्ति को वो ज़्यादा आता है करने, हाँ तंत्र मंत्र, हाँ तो उधर भेजना, हाँ कई पूजाएं रहती है, कई ग्रहों की शांति रहती है, जैसे बच्चों को नीचे का दांत आ गया तो नैमिष ग्रह बाधा की चिकित्सा, ऊपर का दांत आ गया तो नैमिष ग्रह बाधा की शांति करो, ऐसे जो दिए है ना ऐसे, तो उस हिसाब से उसको क्या है उस हिसाब से पूजा करवाना, जिसका जो अधिकार है उसको ये कर दो। हाँ बाकी आप हमारे पास क्या है अच्छा उन्माद की चिकित्सा, तो उस वो कर दो। किसी भी ऐसे भटके हुए मन मन जो रहता है उसको स्थिर करना हो तो त्रासन चिकित्सा है। हाँ किसी को भी, हाँ भय किसका रहता है, सभी प्राणियों को भय किसका रहता है, वो तो प्राण का भय रहता है, ठीक है। तो प्राण जाने की जो जो चीजें हैं,
ऐसी सुडो चीज़ें उसको अगर बताए, जैसे पहले के ज़माने में बोलता था कि राजा ने तुझे फांसी की शिक्षा सुनाई है ना, तो इस ज़माने में वैसे ही जिसको लग उसको ऐसा लगे कि ये सच ही बोले है ना, तो ऐसा प्राण का भय दिखाना, इससे मन जो है वो स्थिर होता है। तो ये ऐसे प्रयोग करना, ठीक है, जो हमारे 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 सिद्धांत के साथ हम जो कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और बाकी दैव उपाश्रय जो है वो चीज़ें दूसरे लोगों को करने बोलना, ठीक है। तो प्राण का भय क्या क्या है, तो वो उसको बोलना कि देखो कल ऐसा करोगे तो आप जेल जाओगे, ये करोगे तो वो करोगे, हाँ, तो ऐसे ऐसे चीजें करना। और उसको भय अगर लगा प्राण का, तो वो इंसान थोड़ा उसका जो मन है वो स्थिर होने लगता है। ऐसे बोला है, जैसे आपको किसी सर्प ने काटा है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे अलग अलग शास्त्र में दिए हैं कि क्या कैसे भय दिखाना है ना, तो उस हिसाब से भय देकर उसका मन स्थिर करना। और मन स्थिर करने के बाद, क्योंकि आप बोल रहे हो उसको, समुपदेशन कर रहे हो उसको, अच्छा बोल रहे हो, पर उसका मन ही अगर स्थिर नहीं है तो वो इंद्रियार्थन ग्रहण नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी ज्ञान को ये होना चाहिए, तो आत्मा मन इंद्रिय और इंद्रियार्थ, ये चार लिंक जो है वो लगनी चाहिए। इसमें मन ही नहीं है उनका, तो क्या होता है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं किसी चीज़ का मिलता। आप कितना भी अच्छा बोले वो नहीं सुनता, क्योंकि मन नहीं स्थिर है। तो मन का इंद्रिय इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष होने के लिए, स्थिर होने के लिए ये प्राण का भय दिखाना पड़ता है। उस हिसाब से दे दो, और बाद में उन्माद अपस्मार की जो चिकित्सा है ना, दैव अपाश्रय के लिए कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा कर दो, है ना। ओके, प्रणाम सर। बोलो, प्रणाम सर। एक 32 ईयर ओल्ड मेल का है, और ये कमांडो रह चुके हैं, मतलब कमांडो के पोस्ट में है, फोर्स में है। तो हाँ जी, फोर्स में। तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनको अपर बैक में दोनों स्कैपुला के बीच में एक सेंसेशन होता है, कि अगर वो लॉन्ग टर्म तक सिटिंग पोस्चर में है, या फिर वैसे भी रहता है कि कोई भी चीज उन्होंने भारी उठा ली हाथ से, तो एक सेंसेशन होता है उनको, कि जो कि जो उनके अपर बैक में एक सेंसेशन होता है कि कुछ चीज चल रही है, समथिंग इज, मतलब कुछ चीज चल रही है, कोई जल, कोई बर्निंग नहीं, जलन नहीं है, कोई कोई पेन, मतलब इस टाइप का नहीं है कि जलन या खुजली नहीं है, बट एक दर्द है उनको। और उनका जो हिस्ट्री रहा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्हें आपत्ति खाना पीना, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई भी नॉनवेज नहीं खाते, कोई ड्रिंक्स नहीं है उनका, रात्रि जागरण ज्यादा नहीं है। और जो उनका, उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग उनकी 2007 में हुई थी, उसके बाद से कोई हैवी वर्क वाला वर्क, उनको ये प्रॉब्लम सिर्फ 3 साल से है, लास्ट थ्री ईयर्स से प्रॉब्लम है। और उनको 2007 में उनका कमांडो ट्रेनिंग हुआ था, उसके बाद सिर्फ 2 साल तक उनका थोड़ा सा हैवी वर्क रहा था, अदरवाइज उनका कोई ऐसा वर्क नहीं जिससे कि उन्हें कोई स्ट्रेन पड़ता हो। अभी वो लोगों को ट्रेन करते हैं, मतलब उनका सिर्फ सिटिंग वर्क है, ऑफिस वर्क है, पर ये है कि 2-2, 3-3 घंटे का उनका सिटिंग वर्क हो जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले उनका ट्रेनिंग हुआ था, उसमें भी उनको 4 घंटे लगातार बैठ के नोट्स बनाना है, ऐसा कुछ वर्क रहा था, उनका फिजिकल एग्जर्शन का वर्क नहीं रहा है। और दूसरा, उनको एक लंबा जो उनका वो करवाया था, हमने एक्सरे करवाया था, तो उसमें अपर साइड में कोई भी ऐसा पैथोलॉजी नहीं आया है अपर बैक में, बट लोअर बैक में L4 L5 पे थोड़ा सा माइल्ड स्टेनोसिस आया है। और वहां का सिम्टम अभी जो है वो बहुत ज्यादा उनका प्रोमिनेंट नहीं है, मेन सिम्टम उनका अभी अपर बैक का है, लोअर साइड का उनका हल्का सा, जब मैंने पूछा कि आपके इसमें थोड़ा सा आया है ये स्टेनोसिस, तब उन्होंने कहा कि हाँ मैम, कभी कभी लंबा जब बैठ जाता हूँ तब ये होता है, हाँ, कि तो, राइट हैंड, क्या राइट हैंड के लेग में कभी कभी पेन होता है, बट ये अपर जो बैक में पेन है और जो कुछ चलता हुआ उन्हें मालूम पड़ता है, उसका कोई भी हेतु निकल के नहीं आ पाया। तो वही हेतु है। तो क्या होता है, हमारे शास्त्र में कैसा बैठना, कैसे सोना, ये सब उसके नियम है। हाँ, बैठते समय आपको आपके पैर लटकने नहीं चाहिए। हाँ, जानू के ऊर्ध्वासन में आपको पैर लटक के नहीं बैठना चाहिए, और चिरात न उपविशेत, मुझे ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं बैठना चाहिए, हम बैठते वैसा पैर नहीं चाहिए करके, तो वो नहीं बैठना चाहिए। सिर पर वजन लेकर नहीं चलना चाहिए। हाँ, मीन्स कई लोग ऐसे पानी भरते हैं, सिर पर लेते हैं, तो वो भी शास्त्र में निषेध है। तो बैठते समय कैसे बैठना चाहिए, झुककर नहीं बैठना चाहिए, ये नियम किसके वजह से है, हमारा जो शरीर है वो सिमेट्रिकल है, और हमने वो सिमेट्री अगर गलत तरीके से यूज़ की तो शरीर में स्थान वैगुण्य निर्माण हो जाता है ना।
तो बैठने का पोश्चर गलत हो, बार बार झुका के चल रहा हो, ऐसे कुछ भी हो, तो ये ख वैगुण्य के कारण है। और ख वैगुण्य के कारण क्या हो जाता है, वहाँ वात तो प्रकोप हो जाता है। अब पिपीलिकावत तो चलन चलना, ऐसे फील होना, संचरित वेदना, ये वेदने का स्वरूप अलग अलग जो बताए ना, ये वात व्याधि का है लक्षण, ठीक है। तो किसके वजह से है, तो उसके ही वजह से है कि वो कैसे बैठता है, कैसे जो वॉट एवर जो कुछ है, अगर गिरा बिरा है पीठ पर क्या, तो वो उसके वजह से वो ख वैगुण्य हो गया और उधर ये हो रहा है। तो स्थार सार्वजनिक वात प्रकोप कहाँ हो रहा है वो देखो, और वात प्रकोप का लक्षण है तो उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट करो। वहाँ पर अभ्यंग करना, हाँ ये कर दो, पेट में वात शमन का जो कुछ है वो चालू कर दो। हाँ, फॉरवर्ड बेंडिंग जो ग्रस्थियों रहती है वो हमारी रोज रहती है, हम बैठते फॉरवर्ड, उठते फॉरवर्ड, बोलते फॉरवर्ड, जो कुछ करते हैं हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो बैकवर्ड बेंडिंग कभी होती नहीं। हाँ, तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से उधर पर फैट जमना, ये भी चीज़ें उस पर वजह से होती है। तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए फिर सूर्य नमस्कार ऐसी चीज़ें उसको करने बोलना, जैसे अगर उसको दर्द नहीं हो रहा है तो, हाँ तो ये चालू कर दो ताकि उसका जो ख वैगुण्य है वो चला जाए, उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो उसको, ठीक है। सर, तो इसमें कुछ वस्तियों का क्रम लगवाऊं आप क्या? हाँ, वो वस्ती अगर इसको बस्ती ले लग सकता है तो वो कर दो, उस स्थान पर ख वैगुण्य है, हाँ स्थान पर वात प्रकोप है, वात का ये दिख रहा है, तो उस पर लेप लगाने के लिए बोलो, शुंठी का, गृह देवदार वस्ती का, और निर्गुंडी का, ऐसे लेप लगाने के लिए बोलो। हाँ, अभ्यंग करने बोलो, एक बार वहाँ तेल लगाकर स्नाड़ी स्वेद ये कर दो, इससे श्रोत शोधन होता है, ख वैगुण्य चला जाता है, संग होगा तो वो चला जाएगा, और फिर ये लक्षण बड़ा कुछ नहीं है, हाँ तो वो चला जाएगा, और दिखा भी रहा है ये हमारा में कि स्टिनोसिस है ना। अपर साइड में तो सर कुछ भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ लोअर साइड की जगह उसने स्टेनोसिस दिखाया दिख थोड़ा रहा है सा, तो ऊपर भी अदरवाइज थोड़ा होगा, अपर वो बेड में दिखा कुछ नहीं भी नहीं। रहा, ऐसे भी है। 3 ईयर्स हो चुके हैं पर सर उसको इसी प्रॉब्लम के साथ हाँ, साथ, तो उस हिसाब ये से उसको सोचा था कर कि दो, अगर क्योंकि क्या है 3 इयर्स हो रहे हैं, मिस व्याधि इतना है नहीं, हेतु रोज चालू है ऐसा है इसका मतलब, ठीक है। बैठने की चीजें ये सब, कई लोग सोते समय भी पैर एक 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 पैर दूसरे पैर पर लेकर सोते हैं, तो ऐसे सोने नहीं बोला है। इतने बहुत से छोटे छोटे नियम है, पैर धोते समय भी दोनों पार्श्नी पर ऐसे घिस कर नहीं पैर धोने हैं, ऐसे छोटे बहुत छोटे छोटे नियम हैं, और वो सब नियम जो है उसके उसके पीछे जो कारण मीमांसा है वो बड़ी है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है तो ऐसे। इसमें ओरल मेडिसिन के अंदर सिर्फ वात और दर्द दे दूं? हाँ, उसकी डिटेल कैसे से देख लो, हेतु क्या है वो भी देख लो, ठीक है। और पोस्चरल अगर उससे स्तन ख वैगुण्य हो गया तो उसको अपोजिट में सूर्य नमस्कार ऐसे कुछ पोस्चर ये कर दो, हाँ, या फिर ऐसे क्या हाफ सर्कल में ऐसे ये वो एक मिलते हैं, हाँ, योगा के इसमें, हाँ, तो उस पर ऐसे सो गए तो वो भी बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है उससे भी, हाँ, तो वैसे वो कर दो उसको ताकि ये सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, चक्रासन या फिर जो हाँ, होगा चक्रासन चक्रासन वो आप कैसे कर करवा सकता है, सकते धीरे हैं। धीरे करो, एकदम झट से ऐसा कभी बेंड नहीं होगा, होगा एकदम बेंड ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे सर इसमें मैग्नेट थेरेपी भी कर सकते हो? करने के लिए क्या कपिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हमें कारण पता चलना क्या हुआ है, ये हुआ है, दोष क्या है, ये हुआ है, बस बाकी करने के लिए आपको चिकित्सा में ठीक है, आज़ादी है, ठीक हाँ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैग्नेट वर्टिब्रल थेरेपी, सर मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट हाँ बोलो, हाँ सर, 10 बज गए, एक हाँ पेशेंट है, मतलब कुछ हार्ड खाने के बाद है ना उसको पूरा मतलब हिरड्यान मध्ये त्याला असं सळसळ होतं, असं हाँ होणार ना, खूपच दुखतं, तर मग हो तर फक्त हार्ड खाल्ल्यावरती, असं सॉफ्ट हाँ, डाएट असं एक खाल्ल्यावर कारण नाही है का? ना, खादिता कठिनान्विता, हाँ हनुस्तंभ और हाँ इसका म्हणजे लाइक जीवा, भाकरी आधी नाही व्हायचं सर, भाकरी तो ये खाल्ल्यावरती कठिन खाना काही जो है वो वात किंवा प्रकोपक है, और हाँ इसके लिए तेल का गंडूस ये बहुत अच्छी विधि है, गरम कोमट उष्ण सोष्ण तेल लेने का और उसका गंडूस करने का। बस फक्त आणि अभ्यंतर सर काही द्यायचे त्याला अभ्यंग कसे पेशंटला, काय कारण असतील की लक्षणं काय तर त्या घ्यायची, अष्टांग हृदयमध्ये यष्टी आणि हो दुधाचा दिले ना, गंडूस सांगितले हो त्याचा गंडूसचा हा, चांगला तर फायदा होतो, अपन तर्पण जन्य काही असतील तशी कारणं, तर यष्टी आणि दुधाचा चांगला परिणाम मिळतो। प्युअरली वात प्रकोपक असे असतील, त्या तुम्हाला वाटत असेल अवरोधजन्य थोडं काही वाटतंय, तर मग तेलाचा गंडूस करायचा, सर असं आणि मग अभ्यंतर काय द्यायचं की नाही, फक्त गंडूष बस आहे? हेतू तसे बलवान वाटत असतील खूप आणि सार्वधिक काही लक्षणं दिसत असतील
तर हे करा, पण शक्यतो गंडूष नस्य कवलग्रह हे ह्या स्टेटमेंट धूपन याच वरच्या ह्याला येतात, यही ट्रीटमेंट आती है ऊपर के। Okay. कर्ण पुराण गंडूष सांगितले कारण अभ्यंतर काही अष्टांग हृदयमध्ये दिलेले नाहीये, फक्त गंडूषच बघितलं मी जास्त, चिकित्सा ते दंत रोगामध्ये अनुग्रह मध्ये तुम्ही निदानामध्ये बघाल त्याच्यात खादिता कठिनानुवा असा शब्द आहे की कडक चीज आहे खाना, सर। और अंग मर्द भी बहुत लेडीज में दिखता है, जैसे कि बहुत काम करने के बाद, खड़े रहने के बाद, ज्यादा स्ट्रेस होने के बाद, कभी एक ही हाथ से काम करेंगे तो उनको मस्कुलर, जैसे कि पहले के लेडीज लोगों में नहीं होता था, अभी तो काम करने के बाद जैसे काम वाली आती तो वो भी हमेशा मुझे बोलती कि मुझे दुख रहा है, दुख रहा है। तो ऐसे लोगों में हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? नहीं, बोला ना मैंने लेडीज के उसकी दिनचर्या और हमारे दिनचर्या है तो स्त्रियों में रजचर्या, सूतिकाचर्या, गर्भचर्या, ये तीन चर्या एक्स्ट्रा रहती है। और रजचर्या फॉलो न करना, ये सब जो है बहिर्मुख सोतो की खुण्य आना और उससे उदावर्तित वात होना, ये कॉमन संप्राप्तियाँ दिखती हैं। ठीक है, तो ये पहले हेतु अगर हो गए तो वो बंद कर दो। हाँ, काम, शोक, क्रोध, पर काम वाले लोग हैं जो रोज, तो वो कैसे बन, उनको तो रोज काम करना हाँ, तो ही तो वात प्रकोप जन्य है तो उस हिसाब से वो कर दो। काम, शोक, क्रोध, इससे वात प्रकोप होता है। हाँ, जो दुख अश्रु का वेग धारण है, ऐसी बहुत सी छोटे मोटी सब चीज है जो वात प्रकोप करती है ना। पहले के जमाने में अभ्यंग करना, रजचर्या पालन करना, वात में सर ये मानसिकत वात हो जाता है तो उसमें अभ्यंतर द्रव्य हम क्या दें सर? मतलब हाँ, स्पेसिफिक नहीं, ऐसे स्पेसिफिक उसके लिए नहीं, स्पेसिफिक हेतुओं के लिए है ना। अगर काम, शोक, क्रोध उससे होगा तो वो आप उस हिसाब से ब्राह्मी गुरुत, कल्याणक गुरुत ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, उसके लक्षण कैसे? हाँ, आप काम ज़्यादा है, मीन्स उसका बल कम है और काम ज़्यादा है। हाँ, अयथा बलमारंभम ऐसा है तो आप अजामांस रसायन ऐसे ऐसे रसायन चालू कर सकते हो। ठीक है ना, राजयक्ष्मा ऐसा सोचकर। हाँ, क्षतक्षीण, राजयक्ष्मा ऐसा सोचकर वो उस हिसाब से कल्प चालू कर सकते हो। तो कैसा किससे है उस पर सब कुछ ये है ना, है ना। उसके जागरण अगर हो रहा है तो उसको नींद बढ़ाना यही हमारे ट्रीटमेंट है, उससे ही वात शमन हो जाएगा। सार्वदेहिक उसको लग रहा है कि तो करने के बाद वो कम हो जाता है, वैसे तो पेन उन लोगों वो हिसाब से उसका करना, ग्रहण करना है आपने। जो ज्यादा काम करते हैं शक्ति से ज्यादा उसको ग्रहण करना है, जो शक्ति से कम काम करते हैं उसको लेखन करना है। थैंक यू सर। ठीक है, चरक में जो बताया अंग पर प्रश्न कर वो यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें जो ड्रग थे उसमें वो हम हाँ जो पेन किलर रहते उस टाइप के नहीं है सर, ज्यादा तो ग्रुवन ही है। हाँ, तो वही ना। गणों में दिया है बाद में कि आप इस गण की संख्या, अगर कोई द्रव्य इसमें नहीं मिला तो आप समान गुण का द्रव्य उसमें ऐड कर सकते हो, आपके बुद्धि के अनुसार आप उसमें द्रव्य ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। वो एक गाइडलाइन है। ठीक है, वो एक गाइडलाइन है, आप उससे और कल गण बना सकते हो आपके बुद्धि के हिसाब से। हाँ, वो गाइडलाइन है कि आप इस हिसाब से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आप कंडू लग रहा है, आपको हेतु नहीं मिल रहा है, कंडू ही लगा है तो ये कंडू द्रव्य है, चंदन भी है उसमें, ये भी है, वो भी है, दारवी भी है, तो वो सब लेकर उसका ये भी दे सकते हो। पर हमारा वैद्यत्व क्या है? हेतु निकालना। हमारा वैद्यत्व क्या है? गुण निकालना। हमारा वैद्यत्व क्या है? गुण विपरीत काम करना। हमारा वैद्यत्व है हेतु विपरीत काम करना। हमारे वैद्यत्व है कि सिद्धांतिक चिकित्सा करना, ना कि द्रव्यात्मक चिकित्सा करना, है ना। डिसीज और ड्रग ये नहीं है आयुर्वेद में, है ना। हमारे आयुर्वेद में हेतु और द्रव्य ये है, है ना, इसीलिए तो हम भिन्न है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो। ओके, विचार। वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है, रिलेटिव आहेत माझ्या। हाँ, लास्ट 5 इयर्स शी इज बेड रिडन। सेरिजियम म्हणून एक कोरियन सेंटर आहे जिथे ते बेड वरती झोपून हे करतात, एक्सरसाइज देतात, म्हणजे ते रोलिंग बेड सारखं आहे। सो शी वो वहां पर ज्यादा जाते थे, उसके बाद में उनको वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो गया और वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव है,
पैरों पे स्वेलिंग रहती है, तो वो कुछ मतलब हिल नहीं सकते हैं, तो कैसे फिर उनको वर्कआउट करना है? उसकी उनको वर्कआउट क्यों करना है उनको? वर्कआउट इन द सेंस लाइक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो मतलब हर 15 दिन के बाद उनका डॉक्टर बदलते रहता है। यहाँ पर कोई गांव में कोई डॉक्टर है जो घुटनों में इंजेक्शन देते हैं, लाइक दर्द जहाँ पे हो रहा है वहां पे इंजेक्शन देते हैं। सो शी इज जस्ट वॉन्डरिंग हियर, उधर ऐसे कर रहा है, तो अभी उनको कैसे मतलब वर्कआउट करना है, अपने को कैसे क्या सोचना नहीं, है? अपने को कुछ नहीं सोचना है, हमें पहले केस डिटेल लेनी है, हेतु क्या है, पहले उसकी सार्वदेहिक क्या प्रॉब्लम्स है। भगना तो हो गया है ना, पर हड्डी हाँ, को तो है हाँ सुनो, कंटिन्यूअस। तो हड्डी को संधान करने के लिए एक तो अस्थि धातु अच्छा जी होना चाहिए, संधान करने के लिए ओके कफ अच्छा होना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें होनी हाँ चाहिए है ना, और संधानीय काम हाँ होना चाहिए अच्छा शरीर में उसके। अगर शरीर में पहले से ही शैथिल्य है तो वो स्रोतस्वों का काम होगा नहीं, तो वो पूरा सार्वधिक विचार करना पड़ेगा अगर इतने सब कॉम्प्लिकेशन है उसके तो, है ना। तो अभी डायबिटीज भी है संधान तो अगर फिर भगना ही ठीक करना है तो बहुत से है, आपको लाक्षादि गुगुड़ है, आबादी गुगुड़ है, गंध तेल है, ठीक है ना, अच्छा ऐसे है, ऊपर ये नहीं है हमारे ट्रीटमेंट है ना। हमारे ट्रीटमेंट क्या हाँ है, तो कैसे हुआ है, किससे हुआ है, और सच में वो काम करेंगे क्या। हाँ श्रोतो शैतिल्य है या फिर आमावस्था है तो आप कहाँ गुगुड़ दोगे या क्या होगा, कुछ नहीं होगा है ना, संधानीय गण हाँ दोगे हाँ तो वो सब देखना पड़ेगा ना उसका। केस तो अभी डिटेल ले लो। फिलहाल में आम पाचक देकर चालू करें, कैसा करें? लाइक आम अवस्था आपको लग रही है तो आम पाचन दे दो। ओके आप केस है आपके पास वो, और वो आपकी ट्रीटमेंट लेने वाली है क्या? हाँ उन्होंने कल बुलाया मुझे। हाँ तो आप डिटेल केस ले लो और ग्रुप में डाल दो केस। डिटेल एकदम आयुर्वेद के तरीके से, वो मॉडर्न में क्या है वो क्या, वो कुछ मत बोलो, सिर्फ आयुर्वेद के तरीके से ले लो। हाँ लक्षण ठीक हेतु सब डिटेल और वैसे केस डाल दो, फिर देखेंगे हम क्या है उसको। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर थैंक यू। ओके।